फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में बुधवार की सुबह अपने खेत पर गए युवक की जमीनी विवाद में कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांव के एक व्यक्ति व पुत्रों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शहर की पंजाबी कॉलोनी के रहने वाले सुनील दोहरे कछपुरा में 16 बीघा जमीन है, जिस पर गांव का ही एक हिस्ट्री शीटर अपराधी संजेश कुमार कुशवाहा जबरन कब्जा करना चाहता है। इसे लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी। बुधवार की सुबह सुनील जब खेत पर बाउंड्री बनवाकर कब्जे होने की जानकारी मिली, जिस पर सुबह 5 बजे बाइक व राइफल लेकर खेत पर गए थे, जहां पर उस पर हमला कर दिया गया और हत्या की सूचना पर एसपी सिटी कपिल देव सिंह, सीओ सिटी अमित कुमार, फ्रेंड्स कॉलोनी निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम को बुलवाकर जांच पड़ताल शुरू की है। परिजनों का आरोप है कि हत्यारोपी पुराना हिस्ट्रीशीटर है और जिस पर एक दिन थाने में कई मुकदमे भी दर्ज है, लेकिन पुलिस द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये ग्राम सुंदरपुर है, थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी का। यहाँ पर एक सुनील कुमार नामक युवक थे, जिनकी डेड बॉडी गांव के रास्ते पर ही मिली हुई है और अभी चोटों का मुआयना फॉरेंसिक यूनिट और फील्ड यूनिट को बुला करके कराया जा रहा है। डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया था और घर वालों का कहना है कि इनकी रंजिश थी कुछ लोगों से, उनके द्वारा इन्हें मार दिया गया है। हम सभी तथ्यों पर ध्यान दे रहे हैं, सभी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर जैसे ही मिलेगी हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी घटना है कि ये हमारे प्लाट पर कब्जा कर रहा है, हमारी खेती की जमीन है, भाई साहब खेती के काम देखते हैं। तो इसे पहले एक खेत पर इसने कब्जा करने की कोशिश की है, वहाँ बाउंड्री खींची है, तो उस पर विवाद निपटवाने की हम लोगों ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई खास सहयोग हमें नहीं मिला। अब हमारा एक दूसरा जो चक है उस पर भी इसने पिलर गाड़ के बाउंड्री अपनी बनानी शुरू कर दी है और सुना जा रहा है कि और इसने व्हाट्सएप पर भाई साहब की फोटो भी भेजी थी कि वहीं अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना करना चाहता, जिससे जमीन विवादित हो जाए। इसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं इनका कोई नाम नहीं है जमीन पर। उसके बाद आपके भाई की वो जो दूसरी पार्टी है उसका नाम है संजेश, पिता का नाम है अमर सिंह, उसके 3 बच्चे और हैं, विशाल, विकास और शिवम। आए दिन तो सभी भी गोली चलाते हैं, पूरा आसपास के इलाके वाले सभी परेशान हैं। एक आदमी है संजेश मंसाराम, जो जमीन पर कोशिश कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई जाकर सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जबरदस्ती खेतों में पिलर खड़े कर रहा था, मारने की धमकी भी दी, हवाई फायरिंग भी करी कई बार। रोज पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोलते हैं कि जब कुछ हो जाए तब रिपोर्ट लिखाना है, कुछ हो गया है अब लिखे रिपोर्ट ये लोग नहीं। तो क्या उसने पहले धमकी वगैरह भी दी थी? पहले धमकी दी थी थाने में, बताया जाके कईयों बार दी, फायरिंग करी है उसने कईयों बार। पापा है, पापा के साथ बड़े चाचा रहते, उनके ऊपर भी कई बार फायरिंग करी, जानलेवा हमला करा 2-3 बार, गाड़ी से गाड़ी भगाई है कईयों बार।